हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस, हैप्पी इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो ये जो रीडिंग करने जा रही हूँ, इसमें हम चेक करेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है अभी इस वक्त आपको लेकर, क्या आपको मैसेज देना चाहते हैं और उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, जो भी उनके साथ आपका सिचुएशन है, क्या हो रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में और आपको लेकर उनकी रियल ट्रू फीलिंग्स क्या है, करेंट एनर्जी क्या है, यही जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए खुद को उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए आप। साथ में यूनिवर्स से प्रेज ज़रूर कर लीजिएगा। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर के दिल में क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर, मेरे व्यूवर्स से इनके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं, जो कि बहुत जल्द कहेंगे आने वाले दिनों में, घंटों में, ये कुछ ही मिनट में कह सकते हैं। क्या है इनके पार्टनर के दिल में मेरे व्यूवर्स को लेकर, क्या कहना चाहते हैं? नथिंगनेस। आपके पार्टनर कहना चाहते हैं आपसे, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे आपके साथ रिकंसाइल किया जाए, कैसे आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन लाया जाए, कैसे आपसे कनेक्ट हुआ जाए, इनको समझ नहीं आ रहा है। आपके पार्टनर को ये भी पता है, जो भी आज आप दोनों का सिचुएशन है, डार्क मोमेंट्स है, डार्क सिचुएशन है, जहाँ पर इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, इस रिश्ते को लेकर कोई फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा, कोई उम्मीद नहीं मिल पा रहा है, पर इनको इतना ज़रूर पता है आप दोनों का रिश्ता इतना गहरा है कि कभी ख़त्म हो नहीं सकता, वापस से स्टार्ट हो ही जाएगी, वापस से आप दोनों कनेक्ट हो ही जाओगे। आप दोनों कितने बार बिछड़े हो, कितने बार पास आए हो, कितना आप दोनों के बीच पास्ट में फ़ाइट हुआ है, फिर भी आप दोनों पास आते रहे हो, ऐसे ही एक दिन ज़रूर ऐसा होगा कि जो भी प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टैकल्स, चैलेंजेस आ रही है आपके रास्ते में, उसको दूर करके आप दोनों हमेशा हमेशा के लिए साथ में आओगे। ये व्यक्ति कहना चाहते हैं आपसे कि हमेशा आपका साथ चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप हमेशा इनके लाइफ में रहो, क्योंकि ना आप इनको, ये आपके साथ बहुत खुश रहते हैं, आपके प्रेजेंस को ये फील कर पाते हैं, आपके साथ काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं ये। आप इनके ट्रू फ्रेंड और ट्रू लवर के अलावा, इनको ऐसा लगता है आप जब इनके लाइफ में हो, रहते हो, तो इनको किसी और की ज़रूरत ही नहीं है, किसी और फ्रेंड की, किसी और चीज़ की कोई ज़रूरत ही नहीं है। चांसेस है आप दोनों के रिश्ते में जो प्रॉब्लम्स आया है, ये फ्रेंड्स का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकते हैं आपके रिश्ते में, जहाँ पर आपके पार्टनर का फोकस पहले इनके फ्रेंड्स पर ज़्यादा था, ठीक है, पार्टीज करना, बहुत ज़्यादा घूमना फिरना, आप पर उतना ध्यान नहीं देना जितना किसी और चीज़ पर फोकस बना कर रहना। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका दूर जाने का कारण ये यही समझ रहे हैं, इन्होंने आपको ग्रांटेड लिया, जो इनको लग रहा है कि आज आप दूर जा रहे हो इनसे, आप मूव ऑन कर रहे हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप अपनी खुशी की तलाश में हो, सुकून की तलाश में हो, आप हैप्पीनेस की तलाश में हो, कंपैशन की तलाश में हो, अच्छे दिन की तलाश में हो, और ज़रूर आप आगे बढ़ रहे हो, उसमें भी आपका बेहतरीन फ्यूचर है, आपकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, पर आपकी लाइफ के चले जाने से इनकी लाइफ में डार्कनेस हो जाएगी। आज आप नहीं हो तो ऑलरेडी इनका लाइफ काफ़ी डार्क है, काफ़ी अंधेरा है, तो आप ना जाओ। जो भी हो आपके साथ रिश्ता, चाहे फ्रेंडशिप हो, दोस्ती हो, हस्बैंड वाइफ हो, लवर हो, पर आप इनकी लाइफ में हो, आप इनकी लाइफ में रहनी चाहिए। जो आज आप दूर जा रहे हो ना, वजह ये व्यक्ति खुद को मान रहे हैं कि मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, मैंने उसको ग्रांटेड लिया, मैंने उसको रुलाया, मैंने उसको हर्ट पहुंचाया, उसने एडजस्ट करने की कोशिश किया, कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश किया, एफर्ट्स करने की कोशिश किया, पर मैंने उसको काफ़ी ग्रांटेड लिया, मैं बिल्कुल लेज़ी हो गया था, लेज़ी हो गई थी अपने रिश्ते को लेकर, ऐसा लगा कि मैं चाहे इस रिश्ते में एफर्ट्स करूँ ना करूँ, ये तो हमेशा रहेगी रहेगा, पर मैं ये ज़रूर भूल गया था कि वो इंसान है, ठीक है, उसको भी कुछ चाहिए, खुशी चाहिए, मेरा साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए, मेरी तरफ से प्यार चाहिए। रिश्ते में जब आते हैं लोग तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं? लव, केयर, रिस्पेक्ट, साथ, सपोर्ट, जो कि मैंने उसको नहीं दिया। ये खुद पर ही शर्मिंदा हैं, ये रिग्रेट कर रहे हैं, रो रहे हैं कि इन्होंने क्यों आपको ग्रांटेड लिया, क्यों इन्होंने आपको अपनी लाइफ से जाने दिया, किसी के साथ कंपेयर किया है, ऐसा हो सकता है,
ठीक है, अगर इन्होंने कभी किसी के साथ आपका कंपेयर किया या इन्होंने ये एक्सक्यूजेस दिया कि हमारे बीच बहुत कुछ अंतर है, कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, हम सिर्फ फ्रेंड्स बनकर रह सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, अगर ऐसा कुछ कहा है तो आज खुद के ही वर्ड्स पे, खुद के ही एक्शंस पे आज ही रो रहे हैं। आइसोलेटेड एनर्जी में है आपके पार्टनर। कोई और थर्ड पर्सन है जो कि इनका कंपेयर कर रहा है, इनको नीचा दिखाने की कोशिश किया जा रहा है। आपने हमेशा इनको सर आँखों पर रखा, ये जैसे भी हैं आपने काफ़ी स्पेशल फील कराया इनको, आपके नज़रों में तो हमेशा काफ़ी खूबसूरत रहे हैं, हैंडसम रहे हैं, चार्मिंग रहे हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव रहे हैं, यही दुनिया के बेस्ट रहे हैं आपके लिए, ठीक है। पर कोई और इनके लाइफ में ज़रूर हैं जो इनको हर्ट पहुँचा रहे हैं, इनके दिल को पूरे तरीके से छल्ली कर रहे हैं, ठीक है। ये व्यक्ति किसी के साथ आपका कंपेयर करते मुझे दिखाई दे रहे, कंपेयर इनके मन में आ रहा है, ठीक है, कि वो कैसी या कैसे मुझे ट्रीट करते थे और ये मुझे कैसे ट्रीट कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई रोमांटिक पार्टनर ही इनको गलत तरीके से इनके साथ बिहेव करे, नहीं, कोई और भी हो सकते हैं, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं या कोई भी हो सकते हैं जो कि उनके एक्सेस, उनके एनर्जी इनको हर्ट पहुँचा रही है। इन्होंने जो पास्ट में किया है वो इनको बहुत हर्ट पहुँचा रही है, जो इन्होंने किया है, जो आज आप दोनों का सिचुएशन है। सभी एनर्जी को फील करके ये काफ़ी मुझे दर्द में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कहीं से निकलना है, ब्रेक थ्रू लाना चाहते हैं आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, कि अपनी खुद की लाइफ में ये वापस से मुड़ना चाहते हैं, स्पेशली उस सिचुएशन को, उस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं जहाँ पर ये खुश नहीं है, ये हैप्पी नहीं है, ये स्टक फील कर रहे हैं। समाज, सोसाइटी, फैमिली या लोगों की वजह से अगर ये कहीं पर थे, औरों की वजह से, खुद की इनकी खुशी नहीं थी, ठीक है, जहाँ पर इनको फ्रीडम नहीं मिल रहा है वहाँ से व्यक्ति मूव ऑन कर रहे हैं, जहाँ पर ये खुश नहीं थे, ठीक है, बस मजबूरी में बंधे हुए थे, तो मजबूरी का रिश्ता नहीं चाहिए इनको, वहाँ पर खुद को आज़ाद करना है। और इंटेंसिटी इसी एनर्जी के साथ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपकी ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे पर बीच बीच में रुक जाएंगे। इनकी एनर्जी ऐसा होगा कि कैसे जाऊँ यार, कैसे उसको बात करूँ यार, कैसे कांटेक्ट करूँ, कैसे फेस करूँ उसको, ये काफ़ी दुखी होंगे, ठीक है। जो पास्ट में आप दोनों के बीच हुआ है, स्पेशली इन्होंने जो आपको हर्ट पहुँचाया है, जो इन्होंने किया है, जो आप दोनों के बीच हुआ है और जो इनकी लाइफ में हो रहा है, चल रहा है, ठीक है, इनको ऐसा लगेगा कि जब इनके लाइफ में ये व्यक्ति किसी के साथ खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, इनकी खुद की अपनी लाइफ की बैंड बजी हुई है, जब आज ये दुखी हैं तो ये लौट आए हैं, जब इनको ज़रूरत है प्यार का, केयर का, सपोर्ट का, तब ये व्यक्ति आपकी ओर आए हैं सेल्फिश होकर। तो ये नहीं चाहते कि आप इनको सेल्फिश समझो, आप ऐसे समझो कि जब इनको ज़रूरत है आपकी तब ये व्यक्ति आए हैं, ठीक है। बहुत कुछ चलेगा इनके लाइफ में कि आप कुछ गलत ना समझो, ये आपको क्या जवाब देंगे जब आप पूछोगे कि कैसे तुम आए, तो क्या कहेंगे वगैरह वगैरह, बहुत कुछ चल रहे हैं इनके, तो मुझे बहुत दुखी दिखाई दे रहे हैं अपनी ओवरऑल लाइफ को लेकर, स्पेशली आपको लेकर। मुझे ऐसा लग रहा है गाइस, आप इनको हीलिंग एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, लव वाइब्रेशन, आप एक पॉजिटिव वाइब्रेशन एनर्जी इनको सेंड कर रहे हो, सेंड करने की कोशिश कर रहे हो, या तो आप खुद को हील कर रहे हो, काफ़ी पॉजिटिव हो रहे हो और अपने रिश्ते को हील करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा हो सकता है आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अपने ट्रू लव को मैनिफेस्ट कर रहे हो, करना चाहते हो, या अपने पास्ट के पर्सन को कर रहे हो जो आज आपकी लाइफ में नहीं है, आप अलोन हो। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कहीं ना कहीं इस व्यक्ति तक पहुँच रही है, जहाँ पर इनको पछतावा हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, रियलाइजेशन हो रही है, इनमें स्ट्रेंथ आ रही है, जो स्ट्रेंथ इनमें पहले नहीं थी, ठीक है, तभी तो ये ज़बरदस्ती के रिश्ते में बंधे हुए थे, या ज़बरदस्ती कहीं पर खुद को स्टक रखा था, इनको कहीं पर एक्शन लेने की ज़रूरत थी तो नहीं ले पा रहे थे, आवाज़ नहीं उठा पा रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे कॉन्फिडेंटली, हिम्मत नहीं थी इनमें, तो वो हिम्मत मुझे आती हुई दिखाई दे रही है, ब्रेक थ्रू ही अपने लाइफ में ला रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इंटेंसिटी के साथ आपकी ओर बढ़ रहे हैं, ये रिश्ते को हील करने के लिए ये बढ़ना चाहते, इनका सोच मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है, आपको प्यार करना है वापस से, वो दिन जीना चाहते हैं आपके साथ, आपके साथ कुछ क्रिएटिविटी करना चाहते हैं अपने लाइफ में,
क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ एक नई ज़िंदगी, न्यू लाइफ। इनको ना ये भी लग रहा है कि बहुत मुश्किल हो गया आपको पाना बहुत मुश्किल है, इस्पेशली अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इनको बहुत मुश्किल लग रहा है। ये ना खुद को ब्लेम कर रहे हैं, जो आज आप इनसे इतना दूर हो गए हो, जो आज इतना मुश्किल हो गया है, इनके खुद के हरकतों की वजह से है, इनके एक्शंस की वजह से है। देख लेते हैं आपके पार्टनर क्या आपको मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आपसे। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर का मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स से। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं, अगर इन्होंने आपको जगल किया, थर्ड पार्टी में पहुंचाया, या आपको ऐसा लगा कि ये व्यक्ति मुझे जगल कर रहा है, ये मुझे प्रायोरिटी नहीं दे रही है, आपको ऐसा फील कराया कि आप इनके लिए प्रायोरिटी नहीं थे, तो अपने एक्शंस को लेकर ये शर्मिंदा हैं, ये रिग्रेट कर रहे हैं, ये रो रहे हैं, रात रात भर जग कर आपके बारे में सोचते हैं, आपको लेकर रिग्रेट करते हैं, रोते हैं, पछताते हैं। अगर इन्होंने आपको जगल किया था, या आपके साथ बैलेंस लाइफ नहीं बना पाया, आज आपको खो दिया या किसी और को चूज़ कर लिया, तो और क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। ये काफ़ी हर्ट है, ठीक है, क्योंकि नाइन ऑफ स्वर्ड्स दो बार आया है, थ्री ऑफ स्वर्ड्स आया है, आज ये हार्ट ब्रोकन है। और क्या आपको मैसेज देना चाहते हैं, अब ना ये खुद के बारे में सोचना चाहते हैं, दुनियादारी को छोड़कर ये खुद के बारे में सोचना चाहते हैं। इनको क्या चीज़ खुश कर सकता है, सुकून दे सकता है, कौन इनको प्यार दे सकता है, और ये किसको प्यार देना चाहते हैं, किसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ये सोच रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं, आपके लिए 9 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 999 यहाँ पर आया है, एंजल्स नंबर यहाँ पर आया है, ठीक है, 999। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को, क्या कहना चाहते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, इनको ऐसा लग रहा है ना आप थोड़े से स्ट्रांग हो गए हो, थोड़े से ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हो, तो आप में ये सॉफ्ट एनर्जी देखना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है आप में इमोशंस नहीं है, आप में फीलिंग्स नहीं है, फीलिंग्स जो है ख़त्म हो गया है, जो कि इनकी खुद की वजह से हुआ है, तो आप थोड़ा सा सॉफ्ट रहो इनको लेकर। ये व्यक्ति सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, आपका गुस्सा, नाराज़गी, चार बातें सुनाना, आपका मारना, आपसे मार खाना, पर ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है ना आपको देखकर कि ये कौन है, नहीं पता है आपको, नहीं जानते आप इनको, आप ऐसा ट्रीट कर रहे हो, दिखा रहे हो, ठीक है, कि बस ये दुनिया में एक इंसान है और कुछ नहीं, या आपने गलत व्यक्ति को चूज़ कर लिया, गलत व्यक्ति के चक्कर में पड़ गए, या आपकी ट्रू लव नहीं है, कभी उन्होंने प्यार किया ही नहीं आपसे, ये इनको हर्ट कर रहा है। इनके नर्स ऐसे कि मैंने तुमसे प्यार किया, मुझे एहसास नहीं था, देरी से हुआ, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें नहीं पता आज मैं कितने दर्द में हूँ, कितना हर्ट हूँ तुम्हें खोकर, मैं तुम्हारे पास लौटना चाहती हूँ, तुम हो मेरा स्ट्रेंथ, करेज, तुम मुझे स्ट्रेंथ एनर्जी प्रोवाइड करते हो, तुम्हें सोचकर ही मुझ में पॉजिटिव एनर्जी स्ट्रेंथ आया है, ये जो तुम्हारा प्यार है ये मुझे करेज दे रहा है, स्ट्रेंथ दे रहा है, ताकत दे रहा है यहाँ से निकलने का, जहाँ पर मुझे लगता था कि मैं नहीं निकल सकता, ये कुछ नहीं हो सकता, कुछ पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, कुछ होप नहीं है, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, चेंज कर सकती हूँ, तुम्हें पा सकता हूँ, बना सकता हूँ, वक्त को पूरी तरीके से, सिचुएशन को पूरी तरीके से, जो आज हम दोनों के बीच है उसको चेंज कर सकता हूँ, और ये तुम्हारे प्यार का ताकत है जो मुझ में ये एनर्जी आया है। इनके एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है, यूनिवर्स मुझे बताएं इनके जो पार्टनर हैं इनके एक्शन क्या हो सकता है मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या एक्शन ले सकते हैं इनके पार्टनर इनको लेकर। कुछ ना कुछ एक्शन देखने को आपको ज़रूर मिलेगा, वो एक्शन न्यू बिगनिंग का हो सकता है, नई शुरुआत का हो सकता है, ये आपको ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, कोई एक्शन ये ले रहे हैं, आपके सामने कोई ऑफर रखेंगे नई शुरुआत का, ठीक है।
पास्ट के सारी बातें, जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी आप दोनों को हर्ट पहुंचाता है, उसको भूलकर एक ब्यूटीफुल फ्रेश न्यू स्टार्ट ये करना चाहते हैं। ये मुझे इनका एक्शन दिखाई दे रहा है, बहुत जल्दी आपको मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि इंटेंसिटी है, एस ऑफ वॉन्ड्स है, 7 डेज के अंदर, कुछ लोग के लिए 1 डे के अंदर, कुछ लोगों के लिए 1 ही घंटे के अंदर हो सकता है। तो ये रही गाइस आपकी रीडिंग, आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।